अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन बात है? अमित खोला है तुम्हारो? अमित खोला है तेरे? अच्छा अच्छा भाई, सब खैरियत है? कौन भाई, आपका नाम क्या है? रियाजुल हक अंसारी। नहीं, रोड नंबर आपका? नहीं, एक ग्रुप में आपका नंबर आया था, रियाजुल हक अंसारी नाम से। हाँ, नंबर मेरे भाई था 9429269686। हाँ, मेरे भाई का नंबर है। अच्छा अच्छा, उनका नाम अंसारी। हाँ, क्या? हाँ, वो अभी बाहर है। क्या काम था? नहीं, वो उनको मतलब वो बात करनी थी अहल हदीसों से किसी भी टॉपिक पे। हाँ, तो आपका नाम क्या है? मैं तो अफू खान हूँ, यूपी इलाहाबाद, बरेलियों का दूल्हा भाई। नाम कुछ सुना हुआ लग रहा है कुछ। आपको सूफी कलीम का मुनाजरा जो आपको 33 मिनट का, वही है ना? नहीं नहीं सूफी कलीम अनपी तो भागता है मेरे नाम से। हाँ, आपने बिल्कुल। अरे जाओ यार, क्या तुम भी 33 मिनट का रिकॉर्ड? तो आपका नाम क्या है? अपना नाम बताएंगे कि नहीं बताएंगे? मेरा नाम, आपको नाम से क्या मतलब? आपको तो रियल लोग बात जो अपना नाम छुपाता है ना, वो भाई मुनाफिक होता है, दोगला होता है, छुपा हुआ। अच्छा अच्छा सर, मुनाफिक। जैसे मेरा नाम अफू खान है, मैं यूपी इलाहाबाद में रहता हूँ, अहले सुन्नत अहले हदीस हूँ, मैंने आपको बता दिया। अच्छा, अब वैसे आप कौन है? मेरा नाम अल्ताफ है। अल्ताफ भाई, सब कैरियर से आप? गुजरात से बात कर रहा हूँ। सब ठीक है जी? रमजान अच्छी आपके जा रहे हैं? हाँ, सब सही है जी। बताइए भाई, अहले हदीसों में आपको मतलब कौन सा ऐसा अमल है जो आपको अच्छा ना लगता हो? मुझे क्या, मैंने थोड़ी क्या फेसबुक और व्हाट्सएप चलाता हूँ। मुझे व्हाट्सएप फेसबुक में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है इस बात में। अच्छा, इंटरेस्ट नहीं है तो है? हाँ, तो बरेलवी नाथ जी भाई है तो बरेलवी नाथ। हाँ, बरेलवी हूँ। तो ये बताइए, कुत्ता अगर मेरे भाई किसी के घर में हो तो क्या वहाँ रहमत के फरिश्ते आते हैं? क्या क्या फिर है? कुत्ता अगर किसी के घर में हो, हाँ हाँ, तो क्या रहमत के फरिश्ते आते हैं, नाजिल होते हैं? ना, नहीं आते। हेलो, नहीं आते? नहीं आते ना। हाँ, तो आपके आला हजरत का कॉल है अनवारे रजा सफा नंबर 238 पे। मैं भी कुत्ता हूँ, मेरे बच्चे भी आला किस्म के कुत्ते हैं। अच्छा, और एक बात बताऊँ आपको, दूसरी किताब में आता है कोई पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। हाँ, तो बहुत एकदम सही कहा है वो। तो इसका मतलब आप लोग के वहाँ भाई मतलब हर एक घर में कुत्ता रहता है, तो आपके वहाँ फरिश्ते आते नहीं होंगे? हेलो, एक बात कहूँ? ओ अफू भाई, एक बात कहूँ? हाँ बताइए। आपको बुरा ना लगे ना? आपको बुरा ना लगे, एक बात कहूँ आपको? नहीं, बुरा हमें क्यों लगेगा भाई, अगर बात सही होगी तो चाहे बुरा लगे। हाँ तो बात सुनो। हेलो 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 हेलो, हक बात करने में अगर किसी को भाई वो बुरा लगता है तो भाई वो अपना रास्ता ना पे, तो जो हक होता है वो बताता है। अरे यार, बकवास ज्यादा ना करा करो यार। जो एक आप एक आप एक वाक्य बोल रहे बोलू तो ये बात होती है। जैसे आप बताइए ना, बोलिए ना, मेरे से पूछ के पैदा हुए थे क्या, बताइए। हाँ, तो बात सुनो, हालात जो कहा है वो एकदम सही कहा है। हाँ, तो मैं मानता हूँ ना, उनको कुत्ता है और उनके बच्चे भी आने किस्म के कुत्ते हैं। और आपको अल्लाह के नबी ने फरमाया, जिस घर में कुत्ता होता है वहाँ रहमत के फरिश्ते नहीं आते। तो अच्छा, कुत्ते इंसान? तो यानी किसी बरेली के वहाँ रहमत के फरिश्ते नहीं आते? नहीं, कुत्ते इंसान भी होते क्या? तो वही तो मैं कह रहा हूँ ना, जब एक इंसान अपने आपको कुत्ता कह रहा है, वो भी आम कुत्ता नहीं, ना काटने वाला, ना चाटने वाला, ना भौंकने वाला, ना कुछ भी वाला, बल्कि आला किस्म का कुत्ता। तो कुत्ता तो कुत्ता ही है ना। ओ एले खबीजी, बात सुनो मेरी। फिर बदतमीजी पे आप आके देखिए, मैं जो बात कर रहा हूँ वो आप में किताबों में लिखा हुआ है, ये हवा में बात करने में क्या रस नहीं है। अरे बोलने का सुनिए आप मुझे। हाँ, तो बोलिए ना। लिया कर रहा हूँ, इंसान भी कुत्ते हो गए क्या? नहीं, इंसान इंसान होता है, लेकिन अगर कोई इंसान कह रहा है कि मैं कुत्ता हूँ तो मैं तो उसको भाई कुत्ते ही कहूंगा ना। सुनो, इंसान इंसान कुत्ता है तो आपने क्यों कहा घर में कुत्ते रहते तो रहमत के फरिश्ते नहीं आते? तो भाई अल्लाह के नबी ने फरमाया, जिस घर में कुत्ते रहते हो या जिस घर में तस्वीर हो वहाँ पे रहमत के फरिश्ते नहीं आते। जहाँ नापाक आदमी हो, नजदीकी आदमी हो, वहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, अल्लाह के नबी ने कुत्ते के बारे में फरमाया, इंसान कुत्ता नहीं है।
तो इंसान कुत्ता नहीं है तो क्या आला हजरत, क्या आपकी, क्या मेरे भाई की क्या तो अकल नहीं थी? उन्होंने अपने आप को और अपने बच्चों को आला किसी का कुत्ता बोल दिया? आला ने किस मौके पे कहा था, कुछ बताया मालूम है तुमको? कोई भी मौके पे कहा हो, है तो कुत्ता ना। हाँ तो जब आपको मालूम है बोले आपने, आपको जब पता नहीं। अरे मेरे भाई हम कह रहे जिस भी उन्होंने भाई कॉन्टेक्ट में कहा हो, कोई भी पैसेंजर रहा हो, थे तो भाई कुत्ते ना। ओ हेलो बात सुनो, कुत्ते भी वफादार होते हैं, इंसान अपने नबी के वफादार। ठीक है वफादारी कुत्ता हो, अल्लाह के नबी ने क्या कहा कि जिस घर पे वफादार कुत्ते रहते हैं वहाँ पे फरिश्ते आते हैं, जहाँ पे भाई वफादार कुत्ते नहीं रहते हैं वहाँ पे फरिश्ते नहीं आते, ऐसा कुछ कहा? हदीस पे कुत्ते का अल्फाज आया ना, और आपके आला हज़रत ने जहाँ फरिश्ते नहीं आते उस जानवर का नाम अपने आप को दे दिया, अपने बच्चों को दे दिया, कितनी शर्म की बात है। नहीं क्या बोल, आप सुअर हो है? आप सुअर हो? नहीं हम तो इंसान है, आदम अलैहिस्सलाम की औलाद। मैंने आज तक नहीं किसी किताब में या किसी ऑडियो में भाई नहीं कहा अपने आप को जानवर, लेकिन आपके आला हजरत ने अपने आप को पब्लिक में कहा है कि मैं कुत्ता हूँ। मैं आपको दलील दे रहा हूँ, अनवार रजा सफा नंबर 280 और भाई वो हदायकी 32 में भी आया है, मलफूजात आला हजरत में भी आया है। कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं, तो आला हजरत की जैसे तो हजार कुत्ते फिरते हैं, तो हजारों जहाँ पे हजारों कुत्ते हों वहाँ पे क्या फरिश्ते आ सकते हैं? हेलो हम नबी के वफादार है भाई। अरे वफादारी के लिए क्या मेरे भाई कुत्ते की मिसाल देना था? वफादारी के लिए मिसाल देना था अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु की दे देते, उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु की दे देते, क्या कुत्ता ही मिला था? और कुत्ता वफादार होता है ये भाई आपको किसने कहा, अल्लाह ने कहा या अल्लाह के नबी ने कहा? हेलो बात तो सुनो, ऐसे ऐसे कुत्ते आपको दिखा दूंगा जो अपने मालिक को भाई काट खाते हैं। ओ एले कभी बात सुनो भाई, कुत्ता वफादार होता है ये अल्लाह ने कहा या अल्लाह के नबी ने कहा या आपके इमाम अबू हनीफा ने कहा? अल्लाह के नबी ने कहा नहीं कहा, कुत्ते वफादार नहीं होते। अरे कुत्ते मैं आपको ऐसे ऐसे बेईमान कुत्ते दिखा दूंगा अपने मालिक को नोच खाते हैं। जाइए मेरे भाई जाके जहाँ पे कुत्ते काटने के जो मरीज आते हैं, कितने मरीज ऐसे आते हैं जिनके घर पे जो पालतू कुत्ते होते हैं वही उनको काट लेते हैं। ओ हेलो जी, ओ जो जो कुत्ता अपने मालिक को जो काटते हैं ना वो सुअर होते हैं, और तो तुम्हारे जैसे अहले कबीर हो तो जो अपने नबी के बारे में जो कहता है मुर्दा हो गए हैं, और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं दुनिया से पर्दा हो गए, और कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कुत्ता सुअर। भाई हम अहले सुन्नत अहले हदीस का अकीदा है, ओ हेलो अल्लाह के नबी जिंदा है आलम बरज़ख में, अल्लाह सुब्हानहू तआला की जन्नत में, और गुस्ताख तो आप हैं जो आप अपने आप को अल्लाह ताला ने इंसान बना के भेजा, आपने अल्लाह सुब्हानहु तआला की जो मखलूक थी उसकी तौहीन करके अपने आप को कुत्ता बना लिया। सही तो है, हम तो अपने नबी के भाई कुत्ते हैं, नबी के कुत्ते हैं या गौसे आजम के कुत्ते हैं, और आपका लियास कादरी बीच पब्लिक में कहता है कि हम तो गौसे आजम के कुत्ते के भी कुत्ते हैं, यानी कि डायरेक्ट कुत्ते नहीं है। इलियास कादरी जो गौसे आजम के कुत्ते हैं उनके भी कुत्ते हैं, तो शर्म आनी चाहिए आपको मेरे भाई। नबी के वफादार हो तुम? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के नबी ने हमें बनी आदम कहा, आदम की औलाद कहा, तो हम भी अपने आप को आदम की औलाद कहते हैं, हम कुत्ता नहीं कहते अपने आप को। अच्छा ये बता दीजिए क्या क्या किसी बरेलवी के घर में क्या रहमत के फरिश्ते आते हैं? हाँ बेशक आते हैं। तो यानी कि माज़ अल्लाह आपने अल्लाह के नबी की हदीस का इनकार कर दिया कि अल्लाह के नबी ने फरमाया जिस घर में शख्स नापाक शख्स और तस्वीर और कुत्ता हो वहाँ फरिश्ते नहीं आते। माज अल्लाह करो हदीस तुम्हारे ऊपर ना डाले, अल्लाह के नबी के गुस्ताख गुस्ताखे रसूल तौबा 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 हदीस का इनकार करता है। अपने आला हजरत का जहाँ फतवा आया वहाँ तुमने हदीस का इनकार कर दिया,
ये है अंधी तकलीद का नुकसान। क्या लिखते हैं ये तो सुन, तुम लोगों ने ऐसी तकलीद कर ली है कि तुम लोग को तकलीफ हो गई है। दूध पाक है और माँ बहन जीना भी भाई कहीं नहीं लिखा है ये। हाँ तो बुरा लोगों में तुम कुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो तो अपना दलील पेश करो। क्या लिखते हैं सूरह बकरा आयत नंबर 111 के खोल के पढ़ लेना। अभी सुअर और सुअर की भाई गाली नहीं, जब फिल्म खत्म हो जाता है तो गाली क्यों देने लगते हैं। अहले खबीर गाली नहीं है, अहले खबीर गाली नहीं है। नबी की हदीस को खबीस बोला, गुस्ताखे रसूल, तौबा तौबा तौबा, शहजादे आजम हदीस का नाम बिगाड़ते हो। अल्लाह सुबहान व तआला सूरह तौबा की आयत नंबर 31 में फरमाता है, उन लोगों ने अपने आलिमों को, दरवेशों को, इमामों को अपना रब बना लिया है, तुमने भी अपने इमाम को अपना रब बना लिया है। आला हजरत ने कह दिया मैं कुत्ता हूँ, तो तुमने अल्लाह के नबी की हदीस का इनकार कर दिया। देखिए अल्लाह के नबी की हदीस से साबित होता है कि जिस घर में कुत्ता हो वहाँ रहमत के फरिश्ते नहीं आते हैं। हरेल भी अपने आप को कुत्ता कहता है, आला हजरत ने अपने आप को कुत्ता कहा और अपने मानने वाले बच्चों को कुत्ता कहा, तो गोया कि तमाम बरेलवी लोग कुत्ते साबित हो गए और कुत्तों के वहाँ रहमत के फरिश्ते आते नहीं है। इसीलिए आप लोगों को अल्लाह सुबहानहू व तआला हिदायत नहीं दे रहा है, क्योंकि जब रहमत के फरिश्ते आएंगे नहीं तो अल्लाह की रहमत कहाँ से बरसेगी। तभी तो आप लोग बदज़बानी करते रहते हो, गालियाँ देते रहते हो। हद हो गई मेरे पहले कभी की औलाद, ओ अहले कभी की औलाद, बात सुन मेरी, ओ बात हो गई तुम्हारी, तुम्हें बुझ बहू, ओ जाहिल की औलाद। अरे बोलो ना मेरे भाई, आराम से गाली दे दो। मैं क्या बोल रहा हूँ, अरे मैं गाली नहीं देता हूँ, मैं अहले कभी गाली है भाई। हदीस को खबीज बोल लो, बदतमीज आदमी। अच्छा हदीस को गाली, मैं क्या बोल रहा हूँ, हम अहले सुन्नत अहले हदीस हैं। अच्छा अहले हदीस के लफ्ज किसके लिए इस्तेमाल होता है? अहले हदीस कुरान और हदीस को मानने वालों के लिए इस्तेमाल होता है। तू मानता है? अल्हम्दुलिल्लाह, तभी तो हमने आपको हदीस पेश की। अच्छा मैं क्या बोल रहा हूँ, तू ये बता पक्का बोल, तू अहले हदीस है? अरे पक्का नहीं तो क्या कच्चा है? अरे तो तुम्हारे वो नवाब सिद्दीक हसन क्या लिख रहे हैं मालूम है किताब में? सफा नंबर बदल हया में 36 नंबर किताब, पेज नंबर 36 में क्या लिख रहे हैं मालूम है? क्या लिख रहे हैं मालूम? कुत्ता और सुअरनी का दूध पाक है, ये क्या सही है? नहीं गलत है। हाँ तो फिर अपने भी किताब पढ़ लिया करो जाहिल की औलाद, अपनी जाहिल हमारी किताब कुरान हदीस है, हम किसी आलिम के खुद के कॉल की किताब को नहीं मानते हैं। जब हम तुम्हारे आला हज़रत की किताब को नहीं मानते हैं तो बाहर वालों की गाइड क्या बोला? सुनिए, जिब्राइल अलैहि सलाम ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक ऐसे वक्त में आने का वादा किया था जिसमें वह आया करते थे, लेकिन आने में देर की तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर निकले, देखा तो जिब्राइल अलैहि सलाम दरवाजे पर खड़े हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा आपको अंदर आने से किस चीज ने बाज रखा? जाहिल की औलाद। तो फरमाया घर में कुत्ता था और हम लोग ऐसे घर में दाखिल नहीं होते जिस घर में कुत्ते और तस्वीर होते हैं। ये इब्ने माजा की हदीस है, हदीस नंबर 3651। तो इससे साबित हो गया कि जिस घर में कुत्ता होता है वहाँ फरिश्ते नहीं नाजिल होते हैं। भाई कितनी गाली दोगे भाई, आला हज़रत की कौन सी किताबें पढ़ के गाली देते हो? गाली नहीं दे रहा हूँ, तेरी तुम्हारी असलियत बयान कर रहा हूँ मैं। हमारी कौन सी किताब में भाई ये लिखा हुआ है कि अहले हदीस ने खुद को सुअर कहा? कौन सी किताब में लिखा है सुअर? हमें जब सुअर कुत्ते का दूध, बिना दलील के तुम्हारी बात थोड़ी ना मान लेंगे। बिना दलील की बात आपकी अम्मी नहीं मानती, आपकी बहने नहीं मानते, आपके अब्बा नहीं मानते, आपके घर वाले नहीं मानते, आपके मोहल्ले वाले नहीं मानते, आपके मस्जिद नहीं मानते, तो हम कैसे मान लेंगे? नवाब सिद्दीक हुसैन क्या लिख रहे हैं मालूम है भाई? देखिए जितने बड़े आप अल्लामा बनते हैं उतने बड़े अल्लामा है नहीं। आप खाली मेरे भाई, आप और आपका भाई दोनों लोग ग्रुप में चैलेंज करते रहते हो, अहले हदीसों को गालियां देते रहते हो,
जिंदगी आप लोगों की मेरे भाई में बीत जाएगी। पहले सुन्नत अहले हदीस का एक अमल किताबो सुन्नत के खिलाफ साबित नहीं कर पाओगे। एक अमल, एक बात तो सुन, ओ अहले खबीस, ओ हम भाई, हम अहले भाई, हम अहले खबीस भाई नहीं तो हम सुनेगा है तुम्हारे, जब अहले हदीस कहोगे तब सुनेंगे। ओ अहले खबीस बात सुन, पहले इज्जत से कहो अहले हदीस जी बात सुन, अहले खबीस, अहले खबीस तो मेरे भाई बरेली है ना, जो मेरे भाई अमल करता है, तो ये हदीस से तुम्हारा अमल नहीं है। मैं पहली बात भाई देखिए, अल्लाह आप अल्लाह के नबी के आशिक है ना, इश्क करते है ना नबी से, अरे बहुत ज्यादा बहुत इश्क करते हैं ना, तो अब सुनिए, अभी देखिए आपका जो इश्कबाजी कैसे पलटता है, सुनो मेरी बात। अल्लाह के नबी ने फरमाया जिस घर में कुत्ता है वहाँ रहमत के परिंदे नहीं आते, और घर में जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं इसलिए घर के अंदर दाखिल नहीं हुआ क्योंकि वहाँ कुत्ता था। तो ये हदीसों से साबित होता है कि जिस घर में कुत्ते होते हैं वहाँ रहमत के फरिश्ते नहीं आते। और आपका इमाम आला हजरत अहमद रजा खान फाजले बरेलवी मतलब के आला हजरत के बहुत बड़े पेशवा और बानी, वो कहते हैं मैं भी कुत्ता हूँ, मेरे बच्चे भी आला किस्म के कुत्ते हैं। तो अब आप ये बताइए, आप अल्लाह के नबी की हदीस मानेंगे या बरेलवी मसलक के फतवे के हिसाब से खुद को कुत्ता मान के अपने घर से रहमत के फरिश्तों को बाहर करेंगे? भाई इंडियन आयल पी के जो आप गालियां दे रहे हैं, पहले उसको थोड़े इंडियन आयल मुंह से और सुकून से बात कीजिए इल्म के दायरे में। अरे दलील से बात करो मेरे भाई। अच्छा खबीज गाली नहीं है तो जाके अपने अब्बा को बोलो कि अब्बा जान आप तो खबीज हो, आला हजरत खबीज बोलो, अगर खबीज गाली नहीं है तो क्या बोल रहा हूँ, खबीज गाली है नहीं, आला हजरत को बोल दो खबीज अगर गाली नहीं है तो। अबे ओ जाहिल, कौन सी कौन सी किताब गाली, जाहिल होता है मुकल्लिद इसके ऊपर अहले इल्म का इज्मा है, जो इज्मा को ना माने वो दायरे इस्लाम से बाहर है। अहले खबीस ने अपने आप को अहले हदीस कहते हुए नाम का लायक भी नहीं। भाई मैंने साबित कर दिया कि बरेलवी कुत्ते हैं और किसी भी बरेलवी के घर में रहमत के फरिश्ते नाजिल नहीं होते हैं, और ये अल्लाह के नबी की हदीस से मैंने साबित कर दिया। अब आप बिना मुहर्रम के मातम करते रहिए, और दोबारा अगर आपने या आपके भाई ने व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे अगर कोई भी अहले हदीसों के खिलाफ बिना सर पैर की कोई भी पोस्ट डाली या मुनाजरे का फालतू चैलेंज किया, तो अभी तो मैंने कुत्ता साबित किया है आपको आपके घर से, बाद में मैं क्या क्या साबित करूंगा तो आप मेरे भाई सोच भी नहीं पाएंगे। अहले सुन्नत अहले हदीस से इल्म के मैदान में जीतने के लिए कम से कम 100 साल आपको मदरसे में पढ़ाई करनी पड़ेगी, 100 साल, ठीक है? हिम्मत ही नहीं है, बात बोल बच्चन शुरू हो गया भाई, अब कुत्ते साबित हो गए तो भौंकने लगे हैं। शेर होते थे, शेर अपने नबी के शेर होते, अभी अभी तुम नबी के कुत्ते थे, अब नबी के शेर बन गए, अभी कुछ देर बाद नबी की बिल्ली बन जाओगे, उसके बाद नबी का हिरन बन जाओगे, उसके बाद नबी का हाथी बन जाओगे, मतलब बनोगे तो सिर्फ भाई वो जानवर ही बनोगे, क्योंकि मुकल्लिद जानवर जानवर भी होता है जाहिल भी होता है। तुम्हारे बरेलवी आलिम का फतवा है कि मुकल्लिद जाहिल के साथ साथ जानवर भी होता है। सभी जाहिल की ओर सुन ले, जाहिल अहले खबीस की ओर सुन ले, जाहिल की ओर अहले खबीस सुन ले, क्या हुआ करंट लग गया, अहले खबीस सुन ले, दो गए यार मेरे भाई, कितना बौखला जाते हो। रूफी कलीम हनफी रजवी गाली शाह बाबा के जितने चेले हैं सबका जिन जाग जाता है, अफू खान का मत सुन के। चलिए भाई आप कुत्ते साबित हो गए, ठीक है, अब दोबारा अपने भाई से कह दीजिएगा कि किसी भी अहले हदीस को गाली दे के चैलेंज ना करे, ठीक है? अभी तो चैलेंज किया मेरा भाई भी, तो सुन तो मेरी बात सुन ले भाई, अपने भाई के भाई के और जो उनके भी बाप दादा हो ना सबको जाके कब्रों से उठा लाइएगा, और किसी भी एक टॉपिक को सुन के रोशनी में आके बात कर लीजिएगा, यही मेरा नंबर है, जब आपके दम हो तब आप फोन करके किसी भी टॉपिक पर बात कर सकते हैं। अभी थोड़ी देर के बाद तो रात को 3 बजे कॉल करता हूँ, मेरा भाई खुद बात सुन, हाँ मैं भाई मैं इंतजार करूंगा रात के 3 बजे 4 बजे जब आपके भाई नींद से जाग जाए तो उनसे कहिएगा कि आराम से इंजन ऑयल पी के वो भी आपकी तरह कुत्ते की तरह स्टार्ट कर दो।
अहले खबीस सुअर सुन, ओ अहले कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा तुझसे कुत्ते हजार फिरते माशाल्लाह। इलियास कादरी, मैं भी कुत्ता हूँ, मैं तो गौसे आजम के कुत्ते का भी कुत्ता हूँ। आला हजरत का कॉल अनमारी लगा सफा नंबर 238। मैं भी कुत्ता हूँ, मेरे बच्चे भी आला किस्म के कुत्ते हैं। बताइए जिससे आप आशिक हैं, नबी का नाम आता है तो झूम जाते हैं और नबी की तालीम आती है तो घूम जाते हैं। भाई आप कुत्ते साबित हो गए, आपके घर में रहमत के फरिश्ते नहीं आ रहे। अगर आप चाहते हैं कि आपके घरों में रहमत के फरिश्ते आए तो अपने आप को कुत्ता समझना छोड़िए। आप इंसान है, अल्लाह सुब्हानहू ताला ने आपको इंसान बनाया है, इंसान बन के रहिए। ठीक है, तुम अहले खबीस हो, तुम अहले बरेलियत से तौबा कीजिए और भाई किताबो सुन्नत पे अमल कीजिए और अहले सुन्नत असाबुल हदीस बनिए। ठीक है मेरे भाई, अल्लाह ताला आपको हिदायत दे। अस्सलाम वाला मन तबाल होता बरेलवी भाई, सलाम अलैका जाहिल बिदती सलाम अलैका सुन्नी लहबी सलाम अलैका आला नस्ल का कुत्ता सलाम अलैका आला हजरत का कुत्ता सलाम अलैका गौसे आजम के कुत्ते का भी कुत्ता सलाम अलैका इलियास कादरी का पालतू कुत्ता सलाम अलैका अहले सुन्नत अहले हदीसों पे भौंकने वाला कुत्ता सलाम अलैका।